पहले कुछ शब्द मेरे भगवान के नाम हैं, पहले कुछ शब्द मेरे भगवान के नाम हैं, सबसे पहले माँ शारदे और माँ अम्बा को प्रणाम है। सबसे पहले माँ शारदे और माँ अम्बा को प्रणाम है। माता पिता है मेरा गुरूर, माता पिता है मेरा गुरूर, और बहन भाइयों में बसती मेरी जान है। और अब मैं अपना परिचय कुछ सुनाती हूँ। कुछ खास नहीं मेरे बारे में, कुछ खास नहीं मेरे बारे में, फिर भी तुमको बतलाती हूँ। गाँव की सिंपल भोली सी, थोड़ी सी ज़िद्दी लड़की हूँ। गाँव की सिंपल भोली सी, थोड़ी सी ज़िद्दी लड़की हूँ। आगे मैं अपने माता पिता के नाम कुछ पंक्तियाँ, आप किसी के लिए भी ले सकते हैं उनको। आदतें तुम्हारी हैं मुझ में, आदतें तुम्हारी हैं मुझ में, मेरी इबादत में तुम हो। आदतें तुम्हारी हैं मुझ में, मेरी इबादत में तुम हो। शब्द और भाव मेरे हैं पर विषय मेरा तुम हो। आगे की कविता जो है मैंने उन लड़कियों के लिए लिखी है। अक्सर गांव में लड़कियों से बड़े सवाल किए जाते हैं, पढ़ने लिखने जाती हैं या कभी गांव से बाहर जाती हैं, तो ये मेरे निजी जीवन से संबंधित हैं पंक्तियाँ, तो मैं आप सब तक पहुँचाना चाहूँगी, आप मेरा समर्थन करिएगा। घर में रहती हूँ, घर में रहती हूँ, तो कहते हैं पूरा दिन क्या करती रहती है। घर में रहती हूँ तो कहते हैं पूरा दिन क्या करती रहती है। अगर बाहर जाती हूँ तो कहते हैं कितनी बड़ी हो गई है, अब भी बाहर घूमती रहती है। कितनी बड़ी हो गई है ये, अब भी बाहर घूमती रहती है। मम्मी से कहती हैं कि तुम खाना क्यों बनाती हो। मम्मी से कहती हैं कि तुम खाना क्यों बनाती हो। तेरी दो हैं बड़ी बेटियां, उनसे क्यों नहीं बनवाती हो। तेरी दो हैं बड़ी बेटियां, उनसे क्यों नहीं बनवाती हो। सुबह जब कॉलेज जाती हूँ तो फिर एक नया सवाल है। सुबह जब कॉलेज जाती हूँ तो फिर एक नया सवाल है। शाम 5 बजे घर आती हूँ तो इस बात पर भी बवाल है। शाम 5 बजे घर आती हूँ तो इस बात पर भी बवाल है। ये नहीं सिर्फ मेरी ही बात है, ये नहीं सिर्फ मेरी ही बात है, बल्कि हर सुबह हर रोज़, खासकर गांव की हर लड़की के लिए खड़ा यही सवाल है। ये नहीं सिर्फ मेरी ही बात है, बल्कि हर सुबह हर रोज़, खासकर गांव की हर लड़की के लिए खड़ा यही सवाल है। और कहते हैं कि लड़की अकेली बाहर जाती है, लड़की अकेली बाहर जाती है, ना जाने किस किस से मिलकर आती है। लड़की अकेली बाहर जाती है, ना जाने किस किस से मिलकर आती है। अगर मुझे कोई घर छोड़ने के लिए आता है तो ये बात कही जाती है। ना जाने कौन है ये जिसके साथ लड़की घर आती जाती है। ना जाने कौन है ये जिसके साथ लड़की घर आती जाती है। थोड़ी सी सिंपल बनकर जाऊं, थोड़ी सी सिंपल बनकर जाऊं, तो ये बात कही जाती है कि कितनी बड़ी हो गई है ये, इसको ज़रा भी तमीज नहीं आती है। थोड़ी सी सिंपल बनकर जाऊं, तो ये बात खड़ी हो जाती है कि कितनी बड़ी हो गई है ये, इसको ज़रा भी तमीज नहीं आती है। थोड़ी सी संवर कर जाती हूँ, थोड़ी सी संवर कर जाती हूँ, तो ये बात खड़ी हो जाती है कि 4 दिन से बाहर क्या जाने लगी, ये तो बड़ी ही इतराती है। 4 दिन से बाहर क्या जाने लगी, ये तो बड़ी ही इतराती है। और कहते हैं गांव में अक्सर कहा जाता है ये लड़कियां पराए घर की होती हैं, तो कहते हैं कि कूड़ा करकट हैं ये तो, कूड़ा करकट हैं ये तो, कल किसी और घर चला जाएगा। कूड़ा करकट हैं ये तो, कल किसी और घर चला जाएगा। अब लड़की को इतना भी क्या पढ़ाना, इसका पति भी तो इससे खाना ही बनवाएगा। कूड़ा करकट है ये तो, कल किसी और घर चला जाएगा। लड़की को इतना भी क्या पढ़ाना, इसका पति भी तो इससे खाना ही बनवाएगा। अगर खर्चा ही करना है तो लड़कों पर क्यों नहीं करते हो। खर्चा ही करना है तो लड़कों पर क्यों नहीं करते हो। पढ़ लिख कर वह नाम कमा कर कमाई तुम्हें खिलाएगा, पढ़ लिख कर वह नाम कमा कर कमाई तुम्हें खिलाएगा। और मेरे माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओगी। कहते हैं कि पापा कहते हैं बेटी पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओगी। और वो चार लोग कहते हैं
क्यों पढ़ा रहे हो इसे, क्यों पढ़ा रहे हो इसे, ये तो अपनी कमाई किसी और घर जाकर खिलाएगी। पापा कहते हैं बेटा पढ़ो लिखो, पापा कहते हैं बेटा पढ़ो लिखो, एक दिन नाम कमाओगी। और वो चार लोग कहते हैं क्यों पढ़ा रहे हो इसे, ये तो अपनी कमाई किसी और घर जाकर खिलाएगी। तो आगे की पंक्तियाँ मैं सभी माताओं से और मौसी चाची जो भी हैं सबसे निवेदन के विनम्र निवेदन के साथ कहती हूँ कि ऐसा कभी ना करें। चाची ताई या हो भौजाई, चाची ताई या हो भौजाई, एक बात समझ क्यों नहीं लेती हो, चाची ताई या हो भौजाई, एक बात समझ क्यों नहीं लेती हो, क्यों भूल जाती हो कि आप भी किसी की बेटी हो। चाची ताई या हो भौजाई, एक बात समझ क्यों नहीं लेती हो, क्यों भूल जाती हो कि आप भी किसी की बेटी हो। यदि नारी ही नारी के साथ, यदि नारी ही नारी के साथ ये बर्ताव करेगी तो तुम ही बताओ कि समाज की कुरीतियों से लड़कर नारी कैसे आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आगे की पंक्तियाँ अपनी यूपी के नाम है। हम कहीं अदर स्टेट में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यूपी को बदनाम कर दिया जाता है, बड़े बुरी नज़र से देखते हैं यूपी वालों को। तो आगे की पंक्तियाँ मैं यूपी वालों के नाम समर्थन कीजिएगा अच्छा लगे तो। सुना है यूपी बहुत बदनाम है, सुना है यूपी बहुत बदनाम है, क्यों भाई ऐसा क्या यूपी का काम है। सुना है यूपी बहुत बदनाम है, क्यों भाई ऐसा क्या यूपी का काम है, भूल गए हो क्या ये वही यूपी है। अरे भूल गए हो क्या ये वही यूपी है जिसमें जन्मे श्री कृष्ण और राम हैं। बस एक और आगे की पंक्तियाँ कुछ खास में कुछ खास के लोगों के लिए, कुछ खास में कुछ खास के लोगों के लिए, कुछ खास तरीके से कुछ खास इवेंट में, कुछ खास पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। मेरे लिए तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम्हारे लिए, हम सबके लिए कुछ खास एक परिवार है। मेरे लिए तुम्हारे लिए, हम सबके लिए कुछ खास एक परिवार है। और इस परिवार के लिए हमारे दीपक भैया जी का बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत शुक्रिया।